हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यम्मी होममेड केक एंड क्लासेस। आज हमारे क्लासेस में बन रहा है होममेड मावा, जो इंस्टेंट तरीके से है। मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। इसके लिए हम लोगों को लगेगा 1/2 कप मिल्क, 1 उबाल आने तक हमें उबालना है। आजकल बाजार में बहुत सारी मिलावट वाली चीजें मिलती है, मावा भी मिलावट वाला मिलता है, लेकिन अभी हमारे घर में तो त्योहार चालू हो रहे हैं, कभी कभी हमें मावा मिलता भी नहीं है। तो हम लोग इजी तरीके से घर में मावा कैसे बना सकते हैं और उसकी रेसिपी, कितनी सारी रेसिपी बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये मावा 10 मिनट में बन जाता है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। इसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच घी। हम लोगों ने घी इसके लिए यूज किया है कि इसमें कोई भी फैट नहीं है, क्योंकि हम लोग मिल्क पाउडर से मावा बना रहे हैं, इंस्टेंट मावा है, इसके लिए इसमें कोई भी फैट नहीं है। अगर दूध से बनाते हैं तो उसमें फैट होता है, इसके लिए हम लोगों ने घी यूज किया है। घी से उसको अच्छे से टेक्सचर भी आएगा और फैट भी बनेगा। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, इसे हमें धीरे धीरे चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है, क्योंकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। हम लोग इसमें इसमें लिया है 1/2 कप मिल्क और 1 कप मिल्क पाउडर। आपको इसको अच्छे से हिलाते रहना है। अब जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे वो गाढ़ा होता जाएगा। हम लोगों ने धीमी आंच पे पकाना चालू किया है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये हम लोग इंस्टेंट मावा बना रहे हैं मिल्क पाउडर से, जो इजी तरीके से बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, इजी लगती है, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल यम्मी होममेड केक एंड क्लासेस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई रेसिपी और इजी तरीके वाली रेसिपी मिलेगी। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, अभी इसे हमें 2-3 मिनट तक और पकाना है। घर में इजी तरीके से कितना अच्छा मावा बन गया है। आप इससे अभी गणपति बाप्पा आ रहे हैं तो गणपति बाप्पा के लिए मोदक बना सकते हैं, दिवाली की मिठाई बना सकते हैं। चलिए, हमारा भी तैयार हो गया है मावा। देखा ना कितना फटाफट 2 मिनट में मावा बन गया, और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। और इस मावा को लेके हम लोग घर पे गणपति बापा के लिए मोदक बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए कि आपको कोई कोई रेसिपी देखनी है, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा हमारा अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे
हम इसे कांच के बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितना इजीली मावा बन गया है आपका, है ना, इजी रेसिपी। और इसी मावे में आप इसको ठंडा होने दो, पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, ठंडा होने के बाद आप इसमें शुगर ऐड कर दो तो आपका स्वीट मावा तैयार हो जाएगा। अगर आपको फीका मावा यूज करना है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा मावा बन गया है ना, पर कुछ टाइम भी नहीं लगा, 5 या 7 मिनट में आपका मावा तैयार हो गया है। खाली आप मेजरमेंट ठीक से लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर से एक बार आप साहित लिख लीजिए कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ी इसके लिए। हम लोगों ने इसके लिए लिया है 1/2 कप मिल्क और 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको ग्राम से लेनी है तो 120 ग्राम तक हो जाती है 1 कप। और इसमें खाली 2 टेबलस्पून पीठी शक्कर ऐड करनी है अगर आपको स्वीट मावा पसंद है तो, नहीं तो यही मावा आप ठंडा करके अच्छे से स्टोर करके रख दीजिए। फिर आपको जब मोदक बनाने हैं तब आप इसके मोदक बनाइए, स्वीट बनाइए, जो चाहे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। गुड बाय।